सुप्रभात बच्चों, मैं डॉक्टर विभूति भूषण प्राचीन भारतीय इतिहास विभाग SNS RKS कॉलेज सहरसा अपने व्याख्यान में आप लोगों का स्वागत करता है। मैं पिछले व्याख्यान में रामगुप्त के ऐतिहासिकता के बारे में बता रहा था, जिसका साहित्यिक प्रमाण प्रस्तुत कर रहा था। इसमें विशाख दत्त का देवी चंद्रगुप्तम नाटक, बाण भट्ट का हर्षचरित, राजशेखर का काव्य मीमांसा आदि के बारे में आप लोगों को बता चुका हूं। अब एक और ऐतिहासिक साक्ष्य आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं, जिसमें हर्षचरित के टीकाकार शंकरा आर्य ने कहा है कि शकपति उसका धार्मिक आचार्य थे और वह चंद्रगुप्त के भाई के भार्या का इच्छुक होने के कारण स्त्री वेशधारी चंद्रगुप्त शकपति की हत्या कर देता है। इस तरह हर्षचरित के टीकाकार द्वारा वर्णन करना भी एक इस बात की पुष्टि में सहयोग करता है कि रामगुप्त गुप्त साम्राज्य का शासक था। फिर एक ग्यारहवीं सदी का एक अरबी लेखक अबुल हसन अली द्वारा एक पुस्तक की रचना की गई है, जिसमें जिसका नाम है मजमल उत तवारिक। इसमें ख्वाल और वर्कमारिश नामक दो भाई की चर्चा की गई है, जिसमें रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय का जो घटना है उससे बहुत ज़्यादा मेल खाता है। इस ओर सबसे पहले ध्यान आकर्षित अल्टेकर महोदय ने किया है, जिसका इतिहासकारों ने समर्थन किया और कहा है कि संभवतः उन्हीं गुप्त वंश के उन्हीं दो भाइयों की चर्चा अरबी रचना में की गई है, जो
रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच का जो संबंध था, जो घटना था, उसका वर्णन करता है। उसके बाद कुछ अभिलेखों से भी रामगुप्त के बारे में जानकारियां मिलती हैं। रामगुप्त का अपना कोई अभिलेख तो नहीं मिला है, लेकिन एक राष्ट्रकूट का कुछ अभिलेख मिला है, राष्ट्रकूट वंश का। उससे गुप्त शासक रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कुछ जानकारियां मिलती हैं। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष प्रथम द्वारा 871 ईस्वी के आसपास एक अभिलेख अंकित करवाया गया था, जिसे संजन अभिलेख कहा जाता है। इसमें कहा गया है कि कलयुग में गुप्त वंश में एक दानी राजा ने अपने भाई की हत्या कर उसके राज्य और उसकी पत्नी दोनों का अपहरण किया था। इससे रामगुप्त के होने की पुष्टि होती है, गुप्त शासक होने की पुष्टि होती है। फिर एक गोविंद तृतीय, राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय की भी कुछ अभिलेख मिली है, जिसमें कॉम्बे और सांगली अभिलेख मुख्य है, जो संभवतः 1930 और 1933, क्रमशः 1930 और 1933 ईस्वी की लेख है, जिसमें गोविंद तृतीय को साहसांक कहा गया है, और एक कहा गया है कि एक दूसरे साहसांक शासक से सिर्फ अच्छे कर्मों में श्रेष्ठ थे, बुरे कर्मों में नहीं। और ये दूसरे साहसांक शासक संभवतः चंद्रगुप्त द्वितीय था, क्योंकि उसे क्रमादित्य, विक्रमादित्य आदि उपाधि से भी नवाजा गया था। और कहा जाता है कि ये दूसरा साहसांक राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कहा गया है, जो अपने भाई की हत्या कर और उसके राज सिंहासन का अधिग्रहण किया था, अपहरण किया था। ये प्रतापी राजा अच्छे कर्मों में गोविंद तृतीय के समकक्ष था, और गोविंद तृतीय ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिससे उसके जिसमें
उसके भाई की हत्या करना पड़ा हो और उसके राज सिंहासन को अपने अधिकार में किया। इस तरह रामगुप्त की ऐतिहासिकता की पुष्टि, रामगुप्त का गुप्त शासक होने की पुष्टि अभिलेखीय साक्ष्यों से भी होती है। एक विदिशा वेश नगर से कुछ जैन मूर्तियां मिली हैं, जिस पर गुप्तकालीन लिपि में राम गुप्त महाराजा धीराज रामगुप्त आदि लेख अंकित है। ये माना जाता है कि चूंकि रामगुप्त अपने वंशों से इतर दूसरे धर्म को अपना राजकीय धर्म बनाया होगा, जो उसका पतन का कारण बना, और इन्हीं जैन धर्म के प्रति अपनी आस्था के कारण जैन धर्मावलंबी शासक राष्ट्रकूट अमोघ वर्ष और गोविंद तृतीय अपने लेखों में रामगुप्त का प्रशंसा किया है। मालवा क्षेत्र से कुछ सिक्के, तांबे के सिक्के प्राप्त होते हैं, जिसपे रामगुप्त, रामू, मगुप्त आदि लेख अंकित है। उसपे गरुड़ और सिंह की आकृति अंकित है। ये इस पे जो लेख है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन लेखों के समकक्ष है। और इसका जो ताम्र सिक्के हैं वो चंद्रगुप्त द्वितीय के तांबे के सिक्के के भार के बराबर है। ध्रुव देवी के जो वैशाली से प्राप्त चांदी तांबे के जो सिक्के प्राप्त हुए हैं उस पे अंकित सिंह की आकृति भी इस बात को प्रमाणित करता है कि ये सिक्के संभवतः रामगुप्त के होंगे। गरुड़ ध्वज भी इस बात को प्रमाणित करता है कि ये गुप्त शासकों का ही सिक्का है, रामगुप्त का। चंद्रगुप्त द्वितीय के तांबे के सिक्के के भार के समतुल्य भी इस बात को प्रमाणित करता है कि ये जो सिक्के हैं ये गुप्तकालीन सिक्के हैं और गुप्त शासकों के सिक्के हैं, रामगुप्त के। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि ये रामगुप्त यदि गुप्त शासक होता तो इसकी जो सिक्के हैं वो संभवतः पूरे साम्राज्य में मिलना चाहिए था,
लेकिन ये सिर्फ मालवा क्षेत्र में मिला है। इसके विपक्ष में कुछ इतिहासकारों का कहना है कि रामगुप्त समुद्रगुप्त के समय मालवा क्षेत्र का राज्यपाल रहा होगा, और चूंकि रामगुप्त समुद्रगुप्त का बड़ा पुत्र था इसलिए रामगुप्त के पश्चात स्वाभाविक रूप से रामगुप्त समुद्रगुप्त के बाद राजा बन गया। लेकिन राजा बनने के बाद उसे इतना समय नहीं मिला कि वो गुप्त साम्राज्य के लिए नए सिक्के और कुछ कार्य कर सके। उसके बीच में ही शकों का आक्रमण हो गया और शकों से वो पराजित हो गया, जिसके बाद उसका जो राज्य है वो उसका समापन उसके भाई चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा कर दिया गया। रामगुप्त के समयाभाव के कारण ही उसके नए सिक्के और अभिलेख आदि नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो राजा बनने के बाद तुरंत शकों के साथ उसका युद्ध हुआ और उसका साम्राज्य समाप्त हो गया। और मालवा में चूंकि अपने पिता के समय में एक राज्यपाल के रूप में शासन कर रहा था, इसलिए वहां से उसके कुछ सिक्के प्राप्त होते हैं। इन सभी आधारों पे इतिहासकारों का मानना है कि गुप्त शासकों में रामगुप्त नामक एक शासक हुआ था, निश्चित रूप से हुआ था, जो संभवतः समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच में एक छोटे से अवधि के लिए ही शासन किया था, लेकिन किया था जरूर। इसी के साथ अपना व्याख्यान समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।